जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सोमवार को पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई गोलाबारी में पंजाब का जवान सुखविंदर सिंह शहीद हो गया। जैसे ही शहादत की खबर उनके गांव पहुंची तो वहां शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में एकमात्र कमाऊ पुत्र की शहादत से परिजन पूरी तरह से टूट गया। सुखविंदर भारतीय सेना की 18J के राइफल में अप्रैल साल 2017 में भर्ती हुए थे। वे राजौरी में तैनात थे और सोमवार को पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हो गए। शहीद सुखविंदर के पिता अविनाश सिंह की मौत साल 2007 में हुई थी। इसके बाद मां रानी देवी ने ही सुखविंदर और उसके बड़े भाई का पालन पोषण किया। दोनों तब बेहद छोटे थे। भाइयों में छोटा सुखविंदर जब फौज में भर्ती हुआ तो मां बेहद खुश थी कि अब उसे आर्थिक रूप से सहारा देने वाला मिल गया है। लेकिन सुखविंदर की शहादत से उनका ये सहारा भी छीन गया। एक तो साडा बच्चा साडे कोलों बिछड़ गया, दूजा सानू एक तो देश लिए शहादत दिती है, उसते बहुत माण है, गर्व है, तो नाल ही उस परिवार की जिहड़ी माली हालत है। एक इकला बच्चा कमाण वाला सीगा, उहदा वड्डा भरा जिहड़ा हैगा उह वी घर वेला है, और फादर उसके अज तो कोई 15 साल पहला एक्सपायर हो चुके हैं। तो इको एक सहारा सी जी मां नूं, ते इस गल दा दुख भी है। 21 साल के शहीद सुखविंदर के चाचा स्वर्ण सिंह ने बताया कि उन्हें रात यूनिट से फोन आया जिसमें सुखविंदर शहादत की सूचना दी गई। शहीद का पार्थिव शरीर अभी उनके पृथक गांव नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर आज अखनूर पहुंचेगा और उसके बाद कल यहां लाया जाएगा। जानकारी के अनुसार सुखविंदर ने माँ से वादा किया था कि वह जल्द ही घर आएगा। सुखविंदर का बड़ा भाई अभी बेरोजगार है। माँ चाहती थी कि बड़ा बेटा भी जल्द कहीं नौकरी लगे और इसके बाद दोनों भाइयों की शादी कर दे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। न्यूज़ डेस्क।